जय हिंद साथियों। दोस्तों आज के वीडियो में हम आप लोगों को सिखलाएंगे कि सीलिंग फ़ैन की वाइंडिंग किस तरह से किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सीलिंग फ़ैन को किस तरह से वाइंडिंग करते हैं तो ये हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप जितना सारा सीलिंग फ़ैन देख रहे हैं सभी का वाइंडिंग किया जाएगा। तो फिलहाल अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ मेरे पास एक ये सीलिंग फ़ैन है और आप देख लीजिए। सबसे पहले सीलिंग फ़ैन की स्लॉट की आप लोग गिनती कर लें कि ये जो आप स्लॉट देख रहे हैं तो इसकी रिवाइंडिंग से पहले इसकी फुल काउंटिंग कर लें कि कितनी स्लॉट की ये स्टेटर है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास ये 14 स्लॉट की स्टेटर है। अगर दोस्तों आपका सीलिंग फ़ैन को सबसे तेज़ रफ्तार में वाइंडिंग करना हो और सबसे अच्छी चलाना हो तो आपको सीलिंग फ़ैन की सबसे पहले इसकी स्लॉट की। और साथियों इसका एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा कि आप जो सीलिंग फ़ैन की स्टम्पिंग देख रहे हैं तो इसकी कोर साइज़ की मोटाई को आपको चेक करना होगा। चाहे तो आप स्केल से इसको माप भी सकते हैं। तो ये दोस्तों जैसे कि मेरे पास है तो ये अभी 13 mm की स्टम्पिंग है। तो इसको दोस्तों हाई स्पीड में चलाना है। तो अब साथियों इसको हम हाई स्पीड में जो रिवाइंडिंग करेंगे तो सबसे पहले दोस्तों इसमें तार का गेज कितना देंगे ये भी आप जान लीजिए। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो वायर है ये दोस्तों कॉपर वायर है, IWD 36 है, SW36 में है और ये कॉपर वायर है। तो कॉपर वायर से आज इसको हम वाइंडिंग करेंगे और इसमें जो तार लगेगा तो 36 नंबर लगेगा। और दोस्तों हम आपको इस वीडियो में डाटा भी शेयर करेंगे। वैसे दोस्तों आप लोग हाथ से भी इसे रिवाइंडिंग कर सकते हैं लेकिन हम इसको अपने ही द्वारा बनाए गए सीलिंग फैन कॉइल वाइंडिंग मशीन से इसका वाइंडिंग कर रहे हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ मेरा तार का रीला रखा हुआ है। तो क्योंकि मैं छोटा छोटा रीला ही ज़्यादा करके यूज करता हूँ तो और देख लीजिए कि मेरा स्टैम्पिंग यहाँ पर एक लगा हुआ है। तो चलिए मैं सभी स्टम्पिंग की डाटा भी आप लोगों के सामने शेयर करेंगे लेकिन दोस्तों जितना भी स्टम्पिंग है सभी में मैं एक ही डाटा लागू करता हूं। तो अभी मैं आपको और दिखलाता हूं इसको किस तरह से रिवाइंडिंग करना है। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें आपको पीवीसी पेपर इंस्टॉल कर लेना है और पीवीसी पेपर की लॉक दोनों तरफ से होना चाहिए और पीवीसी पेपर बड़ा नहीं होना चाहिए, एकदम सटीक बैठना चाहिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये परफेक्ट रूप से लगा हुआ है। अब दोस्तों मैं इसका डाटा भी आप लोगों के सामने शेयर करूंगा और हम जो वाइंडिंग करते हैं अपने ही द्वारा बनाए गए मशीन पे तो उसका वाइंडिंग भी दिखाएंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहें। अगर आप लोग हमारे मिस्टर बजरंगी टेक्नीशियन यूट्यूब चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि दोस्तों आपको हमारे यहाँ काफ़ी प्रकार का मोटर वगैरह भी देखने को मिलेगा। यहाँ जितना भी देख रहे हैं तो मोटर और फैन सभी का वर्क चलता है। तो आज मैं इस स्टम्पिंग की वाइंडिंग डाटा आप लोगों को सिखलाएंगे और दोस्तों मैं हिंदी में ही सिखलाऊंगा। तो दोस्तों मैं जो भी डाटा आप लोगों के सामने शेयर करूंगा तो सटीक एकदम 100% जेन्युइन डाटा शेयर करूंगा। तो देखिए सबसे पहले इसमें आप जब पीवीसी पेपर इंस्टॉल कर लेते हैं तो इसको मशीन में लगाना होता है और मशीन में लगा करके आपको पुनः वाइंडिंग करना होता है। तो चलिए मैं आगे की प्रोसेस भी दिखलाता हूँ आपको किस तरह से इसको रिवाइंडिंग करना है मशीन के द्वारा और कितना कितना टर्न्स देना है। तो सभी कुछ आप लोग इस वीडियो में ज़रूर देख लीजिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस स्टम्पिंग को हमने मशीन में फिट कर चुके हैं और डाई को यहाँ पर एडजस्ट कर चुके हैं और ये पत्ती जो कटिंग किया हुआ रहता है इसके बराबर इसका जो पीवीसी पेपर इसमें जो वाइट वाला लगता है इसको हम बराबर में लगा चुके हैं दोनों तरफ से, मैं आपको दिखा दे रहा हूं। और एक दो टर्न्स हम लगा करके आपको दिखा दिया हूं। अब देखिए मशीन मेरा 3 टर्न्स बता रहा है अभी और नीचे देखिए वायर का रीला रखा हुआ है और इधर से तार गुजरता है और इधर से निकलते हुए इस मशीन के जो सापट होता है उसमें लपेट दिया जाता है और उसके बाद इस लूने के जरिए तार को जो गुजार करके हम लोग इधर सापट में लगाते हैं। तो यही तार ये दो रॉड का कमाल होता है, ऊपर और नीचे जो होता है
तो इसके बीच हो करके तार ये चलता है। ये इसलिए दिया जाता है कि आप जो ये कोर देख रहे हैं तो कोर की ऊपरी हिस्सा में तार कहीं भी आपस में टकराए ना, और ना ही नीचे से वायर कहीं टकराए, इसलिए इसको दिया जाता है। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये प्योर स्टील का डाई होता है और इस डाई को तकरीबन काफ़ी सालों से हम यूज कर रहे हैं। और यहाँ जो ये नट बोल्ट दिया हुआ रहता है तो इसको आप नीचे और ऊपर करके आप ये इसमें जो गैप बना हुआ है तो यहाँ से आप देखिए इस कोर से इस कोर के ऊपर रखना पड़ता है और इधर से इस कोर के ऊपर रखना पड़ता है, मिला करके एक इस कोर के और एक इस कोर के ऊपर, ताकि ये आपस में कहीं बीच वाले घर में ना कॉइल अंदर चले जाए वायर। तो चलिए अब मैं आपको मशीन रन करके भी दिखलाता हूँ। तो जैसे कि देख रहे हैं कि मशीन मेरा कंप्लीट रूप से तैयार है। यहाँ हैंडल है और यहाँ मीटर है और इसमें स्टैंपिंग लगा हुआ है। तो अब देखिए आपको पहले सीधा चलाना होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम सीधा मशीन को अभी चला रहे हैं और काउंटिंग मीटर ए टू जेड चल रहा है। तो हम मशीन को जितने ही तेज़ी में घुमाते हुए चलते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कॉइल का क्वालिटी उतना ही अच्छा बनते हुए निकलता है। तो आप लोग पूरी आराम और इत्मीनान के जरिए देखिए, और मैं इसमें जो टर्न्स लगाऊंगा तो वह भी मैं आपके सामने दिखा दूंगा। तो देखिए इसमें हमने कुल 400 टर्न्स लगाए हुए हैं, 405 टर्न्स, और इस तरह का स्टंपिंग में 36 नंबर वायर से आपको स्टार्टिंग में 400 टर्न्स प्रॉपर देना है। वैसे 5 टर्न्स ज़्यादा है क्योंकि हमने ज़्यादा घुमाए हुए हैं आपको दिखाने के लिए। और देखिए कहीं भी एक भी वायर नहीं टूटा हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉइल का क्वालिटी कितना अच्छा बन चुका है। आप ज़रा कैमरा को नज़दीक करके मैं दिखा रहा हूँ, देख लीजिए प्रॉपर तार एकदम सटीक अंदर बैठा हुआ है। और इधर से भी आप देख लीजिए, मैं दोनों भाग से आपको दिखा दिया हूँ कि कॉइल का क्वालिटी क्या बन रहा है। तो इस तरह की स्टंपिंग में आप स्टार्टिंग में समझ चुके हैं कि होंगे कि कितना टर्न्स हम बताए हुए हैं, तो 400 टर्न्स देना है। और साथियों इस मशीन से हम काफ़ी पंखा को रिवाइंडिंग करते हैं, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ भी दो पंखा रिवाइंडिंग करके रखे हुए हैं, सभी का अभी स्टार्टिंग कॉइल डाला जा रहा है। तो और आप देखिए क्वालिटी क्या बेहतर चल रहा है, आपको दिख रहा होगा कि कितना शानदार क्वालिटी में ये पंखा रिवाइंडिंग किया जा रहा है। ऐसे अभी इसमें लॉक वगैरह लगाना बाकी है। और साथियों पंखा का जो तेज़ रफ्तार का चलने का रीज़न क्या होता है ये जान लीजिए कि आपकी डाटा सटीक होनी चाहिए। डाटा अगर आपका सही हो और पंखे का वायरिंग वगैरह अच्छी हो तो आपका फैन सबसे तेज़ रफ्तार में चलेगा, और कंपनी से भी बेहतर डाटा हम आपको दे रहे हैं। कंपनी इतना टर्न्स नहीं लगाती है लेकिन हमने 36 नंबर वायर से इतना टर्न्स दे रहे हैं। आप बिल्कुल अच्छी तरह से देखते रहिए। अब मैं नेक्स्ट दूसरे घर का काम करने जा रहा हूँ, यानी कि भरने जा रहा हूँ। आप अभी देख सकते हैं कि हमने इस घर को भर दिए हैं। तो अब क्या करेंगे, सीधे यहाँ से इसको इस तरह से निकालेंगे और ये जो वायर होता है इसको अपनी तरफ रख लेंगे इस तरफ से, और इसको यहाँ से रोटेट करेंगे। देख लीजिए आप एकदम रोटेट करते हुए इस पत्ती, ये पत्ती जो है तो इसके बीच में पुनः दोनों को इस तरह से डालेंगे। और आप देख लीजिए ये कंप्लीट रूप से लग गया, और इसका लाइफ मैन भी हम देख लेंगे कहीं तार को टकराएगा नहीं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये कंप्लीट रूप से हो चुका है, तो अब मैं इसको पुनः वाइंडिंग करने जा रहा हूँ। तो अब मैं मशीन को बैक चला रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि मशीन को हम पीछे की तरफ हैंडल को घुमा रहा हूं, और आप देखिए इधर से वायर डल रहा है इसमें, शायद आपको ज़रूर अच्छी तरह से दिख रहा होगा। और देखिए मैं मशीन को कितना तेज़ी में घुमा रहा हूं, क्योंकि पूरी ताकत इसमें डाल चुका हूं मैं। तो साथियों इसी प्रकार से एक घर उल्टा और एक घर सीधा भरते हुए चले जाएंगे। तो अब चलिए मैं पहले स्टार्टिंग भर लेता हूँ, फिर जा करके रनिंग का भी वीडियो आपको दिखलाता हूँ किस तरह से भरना है।
तो जैसे कि साथियों आप देख सकते हैं कि हमने स्टार्टिंग कॉइल को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और सभी में इस तरह से लॉक पेपर डाल रहे हैं। आप देखिए लॉक पेपर का यहाँ टुकड़ा है, ये छोटे वाले, इसको इसके अंदर डालना होता है। तो आप पीछे किस साइड से, जहाँ से पीछे वाली 6201 बैरिंग लगता है उस तरफ से आप इसको नीचे दबा करके दोनों में यू टाइप फोल्ड करके लॉक लगा सकते हैं। और लॉक लगाने के बाद दोस्तों इसमें भी पेपर इंस्टॉल करना होगा। तो चलिए मैं अब लॉक डाल करके आपको फिनिशिंग करके दिखाता हूँ। और आप देख सकते हैं कहीं भी एक भी वायर टूटा हुआ आपको नहीं मिलेगा, जबकि इसमें 400 टर्न्स हम लगा चुके हैं और दोनों स्टैंपिंग का सेम प्रोसेस है। साथियों आप देख लीजिए दोनों स्टैंपिंग का सेम प्रोसेस है। अब इसके बाद साथियों जब हम इसमें लॉक और पीवीसी पेपर ऊपर वाले में रनिंग वाले में लगा लेंगे तो जा करके हम रनिंग का भी एक बेहतर डाटा आपके सामने शेयर करेंगे। तो आप लोग देखिए और इसी में आपको लूप कनेक्शन वगैरह सारा कुछ हम समझा देंगे। और इस यह डाटा दोस्तों बेहतरीन डाटा है, तो आप लोग ज़रा गौर फरमाइए। तो जैसे कि साथियों देख रहे हैं आप कि हमने दोनों में पीवीसी पेपर इंस्टॉल कर चुके हैं रनिंग में। अब चलिए मैं रनिंग का डेटा भी यहाँ आपको शेयर कर दे रहा हूँ। उससे पहले आप जान लीजिए ये कौन सा कंपनी का फ़ैन है। ये दोस्तों क्रम्पटन का फ़ैन है और ओरिजिनल फ़ैन होता है, आप देख सकते हैं। और दोस्तों इसको जब भी आप वाइंडिंग करें तो रनिंग में भी दोस्तों 36 नंबर कॉपर वायर चलाएँ और दोस्तों 36 नंबर से 425 टर्न दें, आराम से ले लेता है, कोई भी टेंशन नहीं होता है। और उसके बाद दोस्तों इसमें 2.5 MFD का कैपेसिटर यूज करें। तो चलिए दोस्तों अब मैं इसका पूरी वाइंडिंग डाटा आपको समझा चुका हूं। तो डाटा एक बार फिर समझ लीजिए, स्टार्टिंग में आपको 400 टर्न देना है 36 नंबर से और रनिंग में 425 टर्न देना है 36 नंबर से। ये क्रम्पटन का सीलिंग फैन है और ये 48 इंच का सीलिंग फैन है और आप इसका ब्लेड भी यहाँ देख सकते हैं, काफ़ी तगड़ा और हैवी होता है। इसका बॉडी भी मैं दिखा देता हूं आपको, तो आप इसका बॉडी भी यहां देख लीजिए, क्रम्पटन का है, ओरिजिनल फैन है, यहां पे सारा डिटेल मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं साथियों कि इस वीडियो में आपने संपूर्ण इसका वाइंडिंग डाटा देखे होंगे और साथ में दोस्तों हम इसका कनेक्शन डायग्राम भी आपको दे देंगे इसी वीडियो में, आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग इस फैन को इस तरह से रिवाइंडिंग कीजिए, फ़ैन बहुत अच्छा चलेगा। अगर दोस्तों इस तरह से रिवाइंडिंग करने के बाद फ़ैन आपका अच्छा चलने लगे तो आप लोग एक प्यारा सा जरूर कमेंट कर दीजिएगा। और उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सीख लो यार कुछ नहीं जाता है। मैं अपने चैनल पे आपको 100% सटीक और जेन्युइन डाटा शेयर करता हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को जानकारी पूर्ण मिल गई होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।